जय जोहार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजाति के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 12 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोग का गठन राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत 3 सदस्यीय समिति के रूप में हुआ है, यानी कि इस आयोग में 2 सदस्यों के साथ इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री रामजी भारती हैं। वहीं इस आयोग के कार्यकाल की बात करें तो इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वहीं वेतन एवं भत्ते की बात करें तो इनके वेतन एवं भत्ते सचिव या अन्य कर्मचारियों के तहत होते हैं और यह प्रशासनिक व्यय पर आधारित होते हैं। अब दायित्व की बात करें तो इन सदस्यों का दायित्व अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए नीतिगत योजनाएं बनाना है। अब अन्य जानकारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति है। इसके अतिरिक्त यहां बिंझवार, भतरा, उरांव, मुंडा एवं अन्य जनजातियां निवास करते हैं। वहीं अंतिम में आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को जनजातियों का निवास स्थल माना जाता है, वहीं राज्य सरकार इनके विकास में कितनी अहम भूमिका निभा रही है, इसकी व्याख्या कीजिए।